हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नई ब्लॉग में। तो फाइनली टूर ब्लॉग का ये चौथा ब्लॉग है और अभी हम लोग आए हैं बुद्धा स्तूपा घूमने के लिए, जो केसरिया में है और यहाँ से नेपाल और जो बिहार का बॉर्डर है वो आसपास में ही है। और अभी हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, ये हमारे टूर का चौथा जगह है जो अभी हम घूमने आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं हर एक डिटेल बताऊँगा स्तूपा के बारे में, केसरिया स्तूपा के बारे में, और सभी जानकारी मैं बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो फाइनली दोस्तों अभी हम आ गए हैं एकदम स्तूपा के पास में। तो जैसा कि जानते हैं आपकी, ये बुद्धा स्तूपा है और ये लिच्छवी और वैशाली के द्वारा बनाया गया है। ये आपका बुद्धा जो निर्वाण नहीं हुए थे, जब वो निर्वाण के स्थिति में नहीं गए थे, निर्वाण नहीं लिए थे, तब ये बना था। और ये काफ़ी बड़ा है, भूकंप की वजह से ये बीच में कुछ छोटा भी हो गया था, लेकिन अभी ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्तूपा है। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये स्तूपा काफ़ी बड़ा है। बहुत यहाँ पे अफवाहें हैं कि यहाँ पे राजा का महल होता था तो ऊपर में सोना चांदी वगैरह हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। और मैं बात करूँ इस स्तूपा का, तो ये स्तूपा बहुत पुराना है। आप इस ईंट को देख सकते हैं, इस ईंट को छूने से ही पता चलता है कि ये ईंट काफ़ी सालों पुराना है। ये ईंट अभी देखे होइएगा आप, ईंट बहुत छोटा छोटा होता है, पर ये ईंट देख सकते हैं आप, इस ईंट का एक चौड़ाई देख सकते हैं, इतना चौड़ा है एक चौड़ा, और इतना बड़ा ये ईंट है, एक ईंट इतना बड़ा है। तो सोच सकते हैं कितने बड़े बड़े ईंट पहले के ज़माने में हुआ करते थे। और ये काफ़ी बड़ा है, ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं क्योंकि ऊपर चढ़ने पर कुछ जुर्माना रखा गया है, इसलिए ऊपर कोई नहीं चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ना मना है। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ईटा है, यहाँ पे एक ईंट रखा हुआ था, बहुत सारा ईंट रखा हुआ था साइड में। आप इस ईंट का साइज देख सकते हैं कितना बड़ा है, और कुछ कुछ ईंट पे इस पे बिहार भी लिखा गया है। देख सकते हैं ये ईंट कितना पुराना हो चुका है, और आप देख सकते हैं अभी मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले बार मैंने इतना बड़ा ईंटा देखा है। अगर आपने इतना बड़ा ईंटा पहली बार देखा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार का G20 इंडिया होस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे G20 का एक बैनर भी लगा गया है जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत खुशी और गर्व की बात है कि हमारा इंडिया G20 इस बार रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत अंदर से गर्व महसूस होता है। और दोस्तों इधर ये बुद्धा का फ्रंट लोकेशन हो गया, इधर से आप आते हैं तो इसके गोल गोल राउंड लगा सकते हैं, और इसके चारों तरफ से ऐसे गोल रास्ता बनाया गया है। और देख सकते हैं पेड़ वगैरह है, जंगल भी काफ़ी ज़्यादा उग चुका है, और इस पर चढ़ना भी मना है। और इसके हम चारों तरफ से घूमते हुए आपको दिखाते हैं कि चारों तरफ से है क्या। वैसे देख सकते हैं कि चारों तरफ से पहले तो एक बाउंड्री किया गया है लंबा चौड़ा से, और साथ में चारों तरफ से गोला गया है, और इस पर आप चारों तरफ से घूम सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है, क्योंकि आगे का चीज़ तो मैंने हर चीज़ दिखाया है आपको, अब पीछे से भी देख लेते हैं कि पीछे क्या क्या है। और ये है स्तूपा का पीछे से है, देख सकते हैं पीछे से सिर्फ जंगल ही जंगल है और बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, और ये लगता बहुत पास में है। आप अगर जहाँ सामने से आओगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत पास में, लेकिन ये पास में नहीं है, ये बहुत दूर है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 200-300 मीटर ऊपर में है, और ऊपर में कुछ अलग ही तरह का है, गोल के अंदर कुछ है। अब क्या है वो तो मैं यहाँ से क्लियरली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक गोल बनाया हुआ है और उसके अंदर कुछ है। ये देखिए कितना पुराना हो गया है कि ईंटा सब अब सड़ने लगा है, यहाँ पे ईंटा सब को देख सकते हैं बहुत टूटने लगा है, सड़ गया है, काफ़ी पुराना हो गया है, लगभग सालों साल पुराना होगा, मुझे लगता है ये 100 साल अप्रॉक्स हो गया होगा पुराना। और स्तूपा के बगल में एक बरगद का बहुत विशाल पेड़ आप देख सकते हैं, इतना विशाल पेड़ है कि इसके नीचे पूरा छाव ही छाव है, और ये बिल्कुल सटे हुए है स्तूपा के। यहाँ पे स्तूपा है और स्तूपा के बगल में एक मंदिर है, और इधर एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ है। और यहाँ पे सेल्फी का आकर्षण केंद्र बना हुआ है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं सेल्फी खींच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग, मतलब मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत लोग सेल्फी खींच रहे हैं, और
इतना अच्छा लोकेशन है, खूबसूरत है, सामने आपका सूर्य है और सूर्य की रोशनी इस पे सामने पड़ रहा है, तो ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। और इसका कलर जो है ना ब्राउनिश कलर में है, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा खिल रहा है। और यहाँ से देख सकते हैं इतना खूबसूरत है। और जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो कुछ बोर्ड वगैरह भी लिखा गया है, उस बोर्ड पे क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या जानकारी दी गई है, वो भी आपको मैं थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ। तो चलते हैं अब बोर्ड की तरफ। तो शुरुआत में ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दो पिलर है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, क्या क्या जानकारी दी गई है ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर ही अक्षरों में लिखा गया है कि बौद्ध स्तूप है और ये केसरिया में स्थित है। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी दी है कि ये 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच में बनाया गया है, और यही सब सारे इसके चीज़ के बारे में दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे ईंट और मिट्टी के गारे से निर्मित है, ये पूरे चीज़ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। अगर आपको वीडियो में दिख रहा है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो जब आप यहाँ पे आइए वहाँ से आप पढ़ लीजिए। ये टोटल 123 मीटर का है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 123 मीटर का है, इसलिए ये पूरे दुनिया का सबसे लंबा स्तूपा है। दोस्तों ये आपको मैं छोटा सा वीडियो बनाया था कि आपको मैं बौद्ध स्तूप केसरिया का आपको घुमा दूं, तो ये था थोड़ा सा मैंने जानकारी जो मेरे पास था, मैंने आपको पूरा जानकारी दिया है वीडियो में। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से भी कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी कम समय मैंने यहाँ पे गुजारा है लेकिन काफ़ी अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लोकेशन है। आप भी कभी यहाँ पे आइए, और वीडियो आपको कैसे लगी है वो मुझे कमेंट में बताइए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लगातार मैं ट्रिप पर ही हूँ, चार जगह घूम चुका हूँ, अब देखिए अब साथ में घर जाऊँगा। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो अलविदा लेते हैं, विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।